नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं आम आदमी पार्टी की कुंडली का विश्लेषण। आम आदमी पार्टी की कुंडली में आखिरकार क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो कुंडली है वो कंप्लीट सबके सामने है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कुंडली में तो ये हो सकता है कि टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से कुंडली आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 को 12 बजे दिन दिल्ली, तो उसके हिसाब से जो जो कुंडली निकल के आती है वो कंप्लीट एनालिसिस मैं बतलाने वाला हूं। और अरविंद केजरीवाल जी की जो कुंडली मैंने इससे पहले भी 3 बार बनाई, और आप मेरी लाइब्रेरी से, वीडियो लाइब्रेरी से देख सकते हैं कि 1 साल पहले भी मैंने उनकी कुंडली में 2 योग की प्रबलता बतलाई थी। बहुत सारे राजयोग हैं, लेकिन 2 योग जो है नेगेटिव योग, एक तो श्रृंखला बंद योग और दूसरा जो है वो षड्यंत्र योग, ये दोनों हावी है, और जब उसका खराब समय आता है तो वो हावी हो जाता है। मित्रों, जब कुंडली के अंदर में यही होता है, जब आपकी दशा, अंतर दशा खराब आ जाती है, और वो जो दशा होती है वो अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव योग कोई भी बना रही है तो आपके लिए वो परेशानी का कारक हो जाता है। अगर केजरीवाल जी की कुंडली में देखें तो अगर जो 16 अगस्त 1968 के हिसाब से भी देखते हैं, उसी दिन उनका बर्थ है। हाँ, टाइमिंग में 2 तरह की कुंडली आ रही है। एक कुंडली में टाइमिंग रात के 12:30 बजे का है, एक टाइमिंग 7:30 बजे का है। मित्रों, दोनों के अंदर अगर हम देखते हैं तो एक चीज तो कॉमन है, श्रृंखला बंद योग दोनों में ही आ रहा है। श्रृंखला बंद योग होता क्या है, 12th हाउस, 2nd हाउस, 9th हाउस और 5th हाउस, ये जो होते हैं कुंडली के चारों दरवाजे होते हैं, कोने होते हैं, और अगर इन चारों कोनों में अगर पाप ग्रह का प्रभाव रहता है तो निश्चित रूप से श्रृंखला बंद योग बनता है, भले ही एक दिन के लिए ही क्यों ना जाना पड़े, और अगर प्रबल होता है तो ज्यादा दिन के लिए भी जाना पड़ता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो बनाई हुई थी, स्टार्टिंग में ही जब मैं वीडियो बनाया करता था, स्टार्टिंग ही किया था शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, कि उसकी कुंडली के अंदर में भी श्रृंखला बंद योग था, और किसी न किसी प्रकार से ऐसी स्थिति बनी, ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस बना कि जेल जाना पड़ा। तो अगर योग रहेगा तो निश्चित रूप से उसका समय जब आता है तो वो होकर ही रहता है। बात डिपेंड इस पे करती है कि वो योग कितनी देर तक रहता है, आपने कैसा उपाय किया, योग की प्रबलता क्या है, ये सारी बातें अगर रहेगी तो वो ज्यादा लंबे समय तक चलता है, और अगर योग की प्रबलता कम है तो वो जल्दी ही समाप्त हो जाता है। इनकी कुंडली के अंदर अगर हम देखें, दिन वाली जो कुंडली है जो 7:30 बजे के हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा खराब आ रहा है, क्योंकि उसमें अब शनि की महादशा स्टार्ट हो रही है, आगे शनि की 7:30 ही आने वाली है, और साथ ही साथ वो जो शनि देव हैं वो मार्केश के मालिक हैं। अगर हम गोचर से देखें, लग्न कुंडली के अंदर में अगर चंद्रमा से देखते हैं तो मेष राशि है, और मेष राशि के हिसाब से पूरा अप्रैल का जो महीना है वो अभी समस्या दे सकता है। अप्रैल के बाद जो ही गोचर कुछ चेंज होगा तो इनको लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। अगर हम देखें आम आदमी पार्टी की कुंडली जो है 26 नवंबर 2012 12 बजे दिन में दिल्ली में, इस कुंडली में और इस कुंडली में थोड़ा सा ये है कि केजरीवाल जी की कुंडली अभी एक्सट्रीम नेगेटिव प्रेडिक्शन बतला रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो कुंडली है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अभी उसके अंदर शुक्र की महादशा चल रही है, बुध, शुक्र और शनि तीनों के तीनों राजयोग बनाते हुए 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और शुक्र में अभी शनि चल रहा है। आप मेरे साथ, आप लोग वीडियो देखते देखते इतना जरूर जान गए हैं कि कौन सा प्लेनेट कब फायदा देगा या नुकसान देगा। मित्रों, मकर लग्न की कुंडली है, शुक्र प्रबल बली राज जो कारक होता है, और लग्नेश शनि है, तो शनि और शुक्र दोनों का लग्न कुंडली में संबंध बना हुआ है, युति संबंध है, साथ ही साथ नवमांस कुंडली में भी दोनों साथ में हैं, तो इस तरीके से ये लग रहा है कि ये इसमें आम आदमी पार्टी के हिसाब से बहुत खराब स्थिति नहीं है। और इसमें जो चौथा भाव है, चौथा भाव जो होता है वो जनता का होता है, और जनता के भाव पर में शुक्र और शनि की दृष्टि है, और साथ ही साथ जो 4th हाउस है, 4th हाउस पर में लेकिन शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है जून में, यानी कि जून के महीने में जब रिजल्ट आएगा तो शनि की 3री दृष्टि
खराब होती है और उस पर आम आदमी पार्टी की कुंडली में पड़ जाती है। इसको अगर हम मिला जुला करके देखें तो ये देखा जा रहा है कि कंप्लीटली कि अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में बंधन योग है और साथ ही साथ एक षड्यंत्र योग है। षड्यंत्र योग जिस किसी की भी कुंडली में रहेगा हर हाल में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई षड्यंत्र में वो फंसेंगे जरूर, चाहे वो खुद से किया हुआ हो चाहे उसको फंसाया गया हो। ये नहीं कहा जा सकता कि कैसे होगा, योग रहेगा तो जैसे तैसे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं। षड्यंत्र योग होता क्या है, अगर लग्नेश और अष्टमेश एक साथ बहुत सारे पाप ग्रहों के साथ अगर कहीं पर रहता है तो षड्यंत्र योग बनता है। षड्यंत्र योग जो होता है हालांकि ज्योतिष के हिसाब से उसको बहुत खराब माना जाता है, उसमें बताया जाता है कि षड्यंत्र से आपके मतलब इवन मैक्सिमम उसका जो होता है कि ये भी होता है कि षड्यंत्र से कोई आपको मार भी सकता है, आपको किसी न किसी तरीके से हानि पहुंचा सकता है। तो षड्यंत्र योग हावी था, विष योग हावी था, बंधन योग हावी था। और आम आदमी पार्टी की कुंडली में अगर देखें तो अभी शुक्र में शनि चल रहा है, बहुत खराब स्थिति नहीं है। हो सकता है कि ये जो टाइमिंग है इसमें बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं और बहुत बुरा भी नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से ये प्रेडिक्शन हो रहा है कि अब आम आदमी पार्टी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी अभी खत्म नहीं हो सकती है, शुक्र और शनि ये दोनों इसको आगे लेकर के जाएंगे, चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में काफी सारे नेगेटिव योग है जो अभी चलते रहेंगे और एक समय आने के बाद जब होता है ना कि चूंकि राजयोग है तभी तो वो इतना आगे गए, 10 साल से आगे चल ही रहे थे, तो राजयोग जब फिर से प्रबल बली होगा, जब टाइमिंग उसका आएगा, निश्चित रूप से उसमें फिर उनको फायदा होगा। और अभी भी आम आदमी पार्टी को इन 2 से 3 महीने के अंतराल में एक बड़ा फायदा निश्चित रूप से होगा। मित्रों अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी कर सकते हैं कि ये जो बातें मैंने बतलाई हैं इसको आप आगे जाकर के चेक भी कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आर्यन खान की, जोगी जी की, उसके बाद अखिलेश यादव जी की, राहुल गांधी जी की और मोदी जी की सबकी कुंडली का एनालिसिस किया हुआ है, उनकी प्रिडिक्शन भी की थी। अभी तक की सभी प्रिडिक्शन, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो केजरीवाल जी का विधानसभा का चुनाव हो, सारी बातें मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने मैंने रखी थी और जो लगभग सभी बातें मिलती भी है, क्योंकि मेरा मानना है कि केवल मैं कुंडली का मैथमेटिकल एनालिसिस करता हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।